बोलिए सतगुरुदेव की जय। कहता हूं हिला, हिला परमान को कहते, गुरु का गुरु, चेले का चेला। साहब ने दोनों पक्षों को साफ साफ कहा है, एक तरफ साहब ने कह दिया कर्मगत टारे ना है टरी, गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा, तस फल चाखा। ये कर्म भूमि है, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, पर आगे साहब कुछ कह रहे हैं, कर्मगत टारे नाहे टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी वाह, सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। मंगल के लिए आदमी सोचता है, मंगलमय हो सब कुछ, लगन मुहूर्त निकलता है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र और ब्रह्मा के रूप माने जाते हैं, वशिष्ठ जी वेशा के पुत्र थे, वेशा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरा पुत्र ठीक तुम्हारे जैसा हो। तो वशिष्ठ ज्योतिष का पर्याय है, वशिष्ठ मुनि। धर्मराय की दरबार में जब संसार में नए नए अपराध होते हैं, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। आप देखते हैं नियम कानून हर जगह है, आप नौकरी कर रहे हैं तभी भी नियम कानून है, आप सड़क पर चल रहे हैं तभी भी नियम कानून है, भाई कीप लेफ्ट, आप कहीं बैठे हैं वहां भी नियम कानून है कि भाई आप सड़क पर नहीं बैठ सकते, कानून है, नियम कानून हर जगह है। आप घर में है वहां भी नियम कानून है, आप रेल के डब्बे में सफर कर रहे हैं वहां भी नियम कानून है कि अपनी सीट पर बैठिए, आप बातचीत कर रहे हैं वहां भी नियम कानून है कि आप किसी को अपशब्द नहीं बोले। तो हर चीज का लेखा होता है, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। मुझे आज एक बात फिर दोहरानी पड़ेगी, प्रसंग ऐसा है, एक आदमी मुझे बोला ये कुछ बातें अटपटी लिखी हुई है कि मनुष्य जो जो कर रहा है वो सब लिखा जा रहा है। बोला ये बताओ पहले, इतने हर एक आदमी का कर्म लिखा जा रहा है, इतने एम्प्लॉय कहां से आया, चित्रगुप्त के पास कहां से कागज ले रहा है, कल में कहां से बनवा रहा है, पूरा पूरा जब हिसाब किताब हो रहा है तो एम्प्लॉय कितनी है। एक आदमी का कर्म लिखने के लिए 24 घंटे का, अगर 10 आदमी है वो भी थक जाएंगे। बुरा सोचना भी पाप है, बुरा देखना भी पाप है, बुरा बोलना भी पाप है, तो इंसान कई गलतियां करता है दिन भर। अगर लिखने के लिए आदमी 4 लग जाए उनकी भी तौबा हो जाएगी। बोला किस फैक्ट्री से कलम लेते हैं, कहाँ से कागज लेते हैं, शाही कहाँ से लेते हैं, तमाम सवाल किए। मैंने कहा सुनो, आज तुम्हें वो फैक्ट्री भी दिखा दूंगा, वो कागज भी दिखा दूंगा, आपको सब चीज दिखा दूंगा। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, स्मार्टफोन ने लघु उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया,
मैं आपको अतीत में नहीं घसीट रहा हूं, इससे फायदे भी काफी है, नुकसान बहुत है। टाइपराइटर बनने ही बंद हो गए, टॉर्च बननी बंद हो गई, रेडियो बंद हो गए, कैमरे बनने बंद हो गए, लघु उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। और बहुत बिजनेस को धक्का मारा, सब मोबाइल फोन में, घड़ियां बननी बंद हो गई, घड़ी उसी में, आजकल तो घड़ियों में भी सिस्टम है, उसी से टेलीफोन करो, उसी से रिसीव करो, उसी से सब कुछ करो। लोग हमें कुछ चढ़ाते हैं आकर ऐसी ऐसी चीजें में। इस तरह लघु उद्योग को स्मार्टफोन ने नुकसान दिया। अब वो आदमी का सवाल था कि कहाँ टार्च है, कहाँ बन रही है, सब चीज़ें कहाँ हैं, कलम कहाँ हैं, कागज़ कहाँ हैं, शाही कहाँ से बनती है, लिखने वाले कौन हैं, तमाम झमेला है, ये सब अपवाद है। मैंने कहा नहीं, अपवाद नहीं, यथार्थ है। आज मैं तुम्हें फैक्ट्री भी दिखाऊंगा जहाँ कागज़ बनते हैं, लिखने वाले भी बता दूंगा जो एम्प्लॉई है। कुछ लोग अपने घरों में एलेक्सा लगाते हैं, ऐप एलेक्सा लगाते हैं, आप उससे जो क्वेश्चन करें वो जवाब देती है एलेक्सा। आप कहते हैं 10 बजे मुझे जगाना, एलेक्सा आपको 10 बजे जगाती है। ये एलेक्साएं पता नहीं कितने लोगों के घरों में होगी काम पर, लेकिन एक ही केंद्र से ये सब चलती है। आपके पास, तमाम के पास स्मार्टफोन है, सबके स्मार्टफोन में न्यूज चैनल का भी पूरी डिटेल्स है, रेलगाड़ियों की पूरी डिटेल है, चप्पे चप्पे की डिटेल लिखी हुई है। इधर गूगल वाले आए, हमारे एक आश्रम की जमीन में एक बोर्ड लगा दिया, खंबा। मैंने कहा भाई ये आपने इधर क्यों लगाया? बोला महाराज हम आपकी कोई जमीन नहीं लेना है, ना हमने यहां कब्जा करना है, ये एक लैंडमार्क है जिससे हम एरिया को इंडिकेट करते हैं। अगर आप जाएंगे नेट में तो सभी आश्रम साहेबंदी के आपको दिखेंगे। हमने तो उनको बोला नहीं, पेट्रोल पंप दिखेंगे, बड़ी बड़ी होटलें दिखेंगे, बड़े बड़े ढाबे दिखेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखेगी, और ये सब के स्मार्टफोन में दिखती है। ट्रेनें कब कहाँ पहुँची है सब आपको वहाँ दिखेगी, एक ही केंद्र से संचालित होती है। इसी तरह मैंने उस सज्जन को समझाया, मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है वो सब लिखे जा रहे हैं, कैसे बताता हूँ। मैंने कहा आपने जिंदगी में जो भी कर्म किए हैं सब आपको याद है क्या? बोला हाँ। कौन सा अच्छा कर्म किस जगह किया याद है? बोला बिल्कुल। क्या गलत काम किया ये भी याद है? किस दिशा में किस तरफ मुंह था, कैसा क्या किया याद है? बोला हाँ। आपने कैसे लिखे ये सब? आपने तो लिखे नहीं, आपकी मेमोरी में फीड है। वैज्ञानिक लोग जो भी कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं मुझे नई नहीं लग रही है, मुझे कॉपी लग रहा है, मुझे वो यूं लग रहा है कि ये तो कॉपी है। हर इंसान की जिंदगी की जितनी भी घटनाएं जो इसने फीड की हैं याद है। आप कौन सी चीज फीड करते? कई ऐसी चीजें फीड नहीं करते आप, ठीक वैसे ही काफी मोबाइल नंबर है हमारे पास, हजारों कॉल आते रहते हैं, लेकिन हमने उनको जो वेरिएबल है उनको फीड किया हुआ है। जैसे कॉल आ जाता है हम जानते ही इसका कॉल है। अरे प्रभु के पास भी आप कॉल करते हैं कंसंट्रेशन का, उसको पता चल जाता है किस वक्त का कॉल है, कब कॉल आया, सब डिटेल है। इस तरह आपने जिंदगी में जो भी काम किए सब आपके पास है, आपकी मेमोरी में है। धर्म राय वो ही मेमोरी निकाल लेता है चित्रगुप्त और दिखाता है, देखो भैया ये है, तुमने कालू राम को तमाचा मारा या नहीं, वो पूरा दृश्य आपको, दृश्य भी याद है। आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए वो सब स्थान आपको याद है, टाइम याद है, डेट याद है, कब क्या हुआ याद है, वही तो सिस्टम है।
निरंजन के पास व्यापक ज्ञान है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। जो भी मनुष्य कर्म कर रहा है वो भी निरंजन अंदर बैठकर कराता है। तीन लोक का वो राजा है। इसलिए आदमी जो भी खोजे कर रहा है कुछ भी नहीं नहीं है, सब पुरानी है। मैंने कहा वो मेमोरी कार्ड दिखा देते हैं उस समय, देख लो। संतुष्ट कर दिया मैं इसको। तो और कर्म का विधान है 1000 गुना बढ़ेगा। प्रमाण, आप अपनी खेत में एक मक्के का बीज डाल देते हैं, पता है आगे चलकर वो एक बीज कमाल कर देता है। उससे मान लीजिए 200 ग्राम मक्की हुई, अगली बार बोलो बीज देना, हजारों गुना बढ़ जाता है धीरे धीरे। ऐसे ही मनुष्य था, मनु और शत्रुपा प्रथम मानव, और देखो कितने हो गए। इस तरह सब कुछ लिख लिख धरत है। और साहब की का शब्द तो अंतिम बिंदु है। धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, वहां झूठी गवाही की जरूरत नहीं है। यहां गवाह मुकर जाते हैं, अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं, वहां ये नहीं है, पूरा आपको दिखा देंगे, आपको डिस्प्ले पर दिखा देंगे, तुमने ये बोला था कि नहीं बोला था। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और सहस्त्र गुणा, और इसके साहब ने बोला गुरु की है ये अद्भुत प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुणा होया ही। कर्म हजार गुना बढ़ता है, इसलिए ये कर्म भूमियाँ विचार करके कोई भी कर्म करना, कर्म का फल सबको भोगना पड़ा। वाह, राम जी जैसे शख्सियत को कर्म का फल भोगना पड़ा। प्रसंग में आता है जब बाल को मारा, एक तो बाल ही है, पाताल का राजा था, एक बाल सुग्रीव बाबा है, पेड़ के पीछे छिपकर राम जी ने मारा। जब बाल गिर गया, मरने वाला था, बाल ने एक सवाल किया उन्हें, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपने मुझे क्यों मारा। बाल को वरदान था जो तुमसे लड़ने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी और तुम्हारी भी होगी, तो वो हार जाएगा कोई भी आएगा। राम जी ये बलिभांग जानते थे कि बाल को ये वरदान मिला हुआ है, जो इससे सम्मुख लड़ेगा आदि शक्ति जाएगी। पेड़ों के पीछे छिपकर राम जी ने बाल को मारा था। तो बाल एक सवाल पूछ रहे, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा, आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, आपका क्या, आपकी क्या पड़ी थी, सवाल था ये बाल का। राम जी कह रहे, अनुज वधु भगनी सुत नारी, कन्या समय होते चारी। पुत्री छोटे भाई की बीवी, छोटी बहन, बहू, ये कन्या समान है। अनुज वधु भगनी सतनारी, कन्या समय ये होते चारी, इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, विलोकने का मतलब है देखना, तह वध किए कुछ पाप नहीं। राम जी ने तर्क दिया कि भाई अनुज वधु भगनी सुतनारी, छोटी बहन बहू और छोटे भाई की बीवी आदि, ये कन्या के समान है, इन्हें कुदृष्टि से देखने वाले का भी वध कर दो, कोई पाप नहीं है, तह वध किए कुछ पाप नहीं हुई। और लेकिन कहा है बाल, तुम अपना बदला ले लेना, द्वापर में मेरा रामावतार होगा, इसी बाण से तुम मुझे हनन, मेरा हनन कर। और ये हुआ भैया, राम जी जैसे पूत को भी जब कर्म का फल भोगना पड़ा तो भाई वो बहुत है। और कर्म की गति छीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाएगी। जब आपको नियम का मालूम नहीं है तो आप दंड को प्राप्त कर सकते हैं। एक नियम है पास्कु में,
किसी नाबालिग लड़की से कोई आदमी बलात्कार करता है, और आपको जानकारी है, अगर आप जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं पुलिस को, देखिए राम जी ने पेड़ों के पीछे छिपकर बाली को मारा था, क्योंकि सुग्रीव नहीं तो उसके द्वारा मारा जाता था। संवाद है, आप में से काफी लोग सीरियल देखते, मैं नहीं देखता हूं, पर रामायण ने तो लिखा है, महाभारत ग्रंथ भाग में लिखा है कुछ चीजें। तो इस तरह भैया कर्म का फल भोगना पड़ेगा, ये अकाट सिद्धांत है। लेकिन साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा भेद सुनो धर्मदासु, जन्म जन्म की मेटत त्रासु, यानी एक भेद बताता हूं, जन्म जन्म की त्रास दुख को मिटा देता है। क्या सदगुरु दया कर्म है छीना, इसका मतलब है सदगुरु एक बड़ी शख्सियत है। जब राम जी जैसे पुत्र को अपना कर्मों का फल भोगना पड़ा, यानी सदगुरु कर्म छीन कर देता है, और इसका प्रमाण कई जगह मिलता है। वाह, साहब ने इस शब्द में बोलकर आखिर में क्या बोला सुनना, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कोट गौ नृप दान करत नित राजा मृग, गिरकिट की होनी पड़ी, नीच हाथ हरिचंद भी काने बलि पाताल धरी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही कर्म गारे नाय टरी। आगे क्या कह रहे, वाह, कोटि कर्म पल में कटे, एक दो नहीं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु ओठ, यहां सदगुरु ओठ बोल रहे हैं, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभी जार के इशार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। इस तरह नाम कर्मों को काट देता है। कौन सा नाम, यही गाड़ी फंसती है। कोटि नाम संसार में करोड़ों नाम है, वही सहस्त्र नाम हनुमान जी के, सहस्त्र नाम विष्णु जी के, सहस्त्र नाम शिव जी के, सहस्त्र नाम ब्रह्मा जी के, सहस्त्र नाम नाम आदिशक्ति के, सहस्त्र नाम इंद्र के भी है। सार नाम बिन मुक्ति न पाए। अब ये सार नाम क्या है, जो नाम हमारे सभी कर्म काट देता है। नाम कह रहे प्रताप ते भय आनते आन आन के आन, वो नाम अद्भुत है, वो केवल एक पूर्ण गुरु देता है। कस्तूरी मात्र मृगा की नाभि में और कहीं नहीं है, मोती मात्र सीपी के अंदर है, आज तक कोई वैज्ञानिक मोती बना नहीं सका। मुझे एक आदमी ने कहा हैदराबाद में कहीं एक ऐसी जगह है जहां पर मोती बनाते हैं, मैं कहा बन ही नहीं सकता, बोला वहां मोती बनते हैं। मैं बोला कैसे, क्या करते हैं, उसने मुझे भी माला दी मोती की, मैं कहा ये मोती नहीं है, बोला मोती है। सीपी को एक ऑपरेशन करके उसके अंदर एक बूंद डालते हैं और उसको फर्टिलाइजेशन दूसरे तरीके से करते हैं, और समय आने पर फिर उसका पेट चीरते हैं और मोती बाहर में, तीन ऑपरेशन करते। मैंने कहा अच्छा हो सकता है, हो सकता है, पर मोती का तो सहारा लिया गया ना,
IVF में भी ऐसे ही करते हैं, जब संतान उत्पत्ति नहीं है तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक पहले उनको बाहर रज वीरज को मिला करके और उसको फर्टिलाइजेशन देते हैं, फिर गर्भ द्वार में उसको इंसेक्ट करते हैं तो बेबी हो जाते हैं IVF के द्वारा। मैं कहा ये तो वही फार्मूला है, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, ये मोती सफेद क्यों नहीं है? सफेद इसलिए नहीं है कि सीपी डायरेक्ट शांति की बूंद लेती है, उसमें धूल मिट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि समुद्र में धूल मिट्टी नहीं है। लेकिन जो इसमें एक पानी दे दिया गया, उस पानी में तो कण मिल गए धूल मिट्टी के, इसलिए कलर चेंज हो गया, तो उस मोती का कलर सही में वो मोती था, सही में वो मोती था, वही सिस्टम किया IVF वाला। इस तरह वो मोती वैसा नहीं हो सका जैसा ओरिजिनल है, नेचुरल है। मैं अक्सर कहता हूं सर्जेरियन बालक जो है वो संघर्षशील नहीं होते। बच्चा मां के पेट से खुद आता है, मां बाहर नहीं निकलती है। जैसे जैसे समय होता है डॉक्टर लोग गर्भद्वार को देखते हैं, क्या देखते हैं कि गर्भद्वार फूल रहा है क्या, थोड़ा बच्चा अंदर से जोड़ लगा रहा है कि नहीं बाहर आने के लिए। जब टाइम पूरा हो जाने के बाद भी देखते हैं कि बालक निष्क्रिय है, उसमें ताकत नहीं है। अगर थोड़ा भी गर्भद्वार खुला तो डॉक्टर लोग जान जाते हैं कि बालक कोशिश कर रहा है बाहर आने की, और नेचुरल डिलीवरी टॉप है। सर्जेरियन तो बहुत एक कष्टमय चीज है। तो जो बालक खुद संघर्ष करके बाहर आता है, संघर्षशील होगा, और ये चीज सर्जेरियन के साथ नहीं हो पाती है। छोड़िए डॉक्टर मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पहले ये पद्धति नहीं थी। तो कोटि कर्म पल में कटे आवे सदगुरु। अब गुरु कैसे बदल देता है? सबसे पहले उसके अभीष्ट के कर्मों को नष्ट कर देता है। कर्म सारणी बुद्ध उत्पन्न, आदमी के कर्मानुकूल ही बुद्धि बनती है, तो अंतःकरण शुद्ध होता है, कर्म कटते हैं। उदाहरण के लिए आपके कर्म में अगर लिखा है कर्मानुसार टांग टूटना है, टांग टूटेगी, कैसे टूटेगी? कोई धर्मराज आकर आपकी टांग नहीं टूटेगा, तोड़ेगा नहीं। नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं पद्धति को, तो अपवाद बना देते हैं। बुद्धि ऐसे बनेगी कोठे पर जाओगे, छत पर, और ऐसी बुद्धि होगी ध्यान डिस्टर्ब होगा, धड़ाम से गिरोगे और टांग टूटेगी। कर्म में दंड देने का, फल देने का बल है, इसलिए गुरु जब अंतःकरण उस नाम की ताकत से साफ करता है तो वो कर्म फिर कट जाते हैं, वाश हो जाते हैं। सुनिए, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, काल काट देते हैं किसी का, काल कटने से नहीं खत्म हुआ, डिलीट कर देते हैं, अपने ओरिजिन पर उसका पूरा रिकॉर्ड है। आपने तो अपने फोन में सिर्फ काट दिया, जहां से संचालित हुआ था वहां अभी भी वो है। इसलिए कुछ लोग अपराध करते हैं तो डिलीट कर देते हैं अपना कॉल, लेकिन पुलिस फिर संपर्क करके उस एजेंसी से निकाल देती है। तो साहब क्या करें, सदगुरु दया कर्म है छीना, अमर हो नाम है लोलीना। सदगुरु की दया से कर्म छीण हो जाते हैं, सदगुरु दया कर्म है छीना, अमर होए नाम है लोलीना। और साहब अपनी वाणी में कई जगह ये बात बोल रहे हैं, भैया कोटि कर्म पल में कटे जो आवे सदगुरु ओट। कर्म के क्षेत्र पर बहुत बोला, नाम जो रत्ती एक हो,
पाप जो कोटि हजार, कोटि हजार का मतलब हजारों करोड़, एक करोड़ नहीं, कोटि करोड़ को बोलते हैं, हजारों करोड़। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभी जार कर छार करे, बात सबको जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। प्रमाण सुंदर दे रहे हैं, आग की एक चिंगारी घास के हजारों तिनकों को एक चिंगारी खत्म कर देती है। तो नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, पर वो नाम पूर्ण सदगुरु के पास है, वो कहीं मिलेगा नहीं। संशय का मैं कहूं ठिकाना, संशय काल घटमाए समाना। देखिए काल आपके अंदर है, जब पुरुष धर्म कर की ना तभी संशय उत्पन्न ना, नि अक्षर की परिचय पाए संशय मिटे अमर कर जाए। जब सार शब्द का परिचय मिल जाता है तो कर्म कट करके खत्म हो जाते हैं। मेरे पास लोग आते कई समस्याएं बोलते हैं, मैं किसी को नहीं बोला तेरा घर बना दूंगा, नहीं बोलता। मैंने किसी को नहीं बोला तुझे करोड़पति बना दूंगा, जैसे ढकोसले चल रहे हैं, मैं नहीं बोलता। मैं तो कहता हूं मेरे पास नाम है प्रभु का, बस वो सकल रोग की औखद नाम, और नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। मैं चैनल पर देखा 18 ऐसे से बाबाओं का खेल दिखा रहे थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक नहीं। ऐसे ढकोसले चल रहे हैं आज भक्ति के नाम पर वो कर्म कौन कटेगा। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। संशय नाम सुनो धर्मदासा, एक नाम की राखो ऐसा, नाम छोड़ अंतर चितलाने, संशय तभे एकल गहताने। और नामे गहते निसंशा, नाम बिना बूढ़ा सब अंसा। वाह, नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद।